हेलो जोमिगोज, इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। भर भर के इमेजेस हैं आज मेरे पास और उन इमेजेस के ज़रिए जल्दी जल्दी मैं आपका ये चैप्टर ख़त्म करा दूँगा। रोज़ाना एक चैप्टर कर रहे हैं और बस यही है। बाकी वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, रोज़ाना के टेस्ट, ये सारे के सारे बायोशाला की ऐप पे अवेलेबल हैं। जाइए वहाँ पर इस्तेमाल कीजिए उसका। कोई प्रॉब्लम आए, सेंटर में चैट का फीचर है, डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं किसी भी तरीके की परेशानी चल रही हो आपकी। हाँ जी हाँ, तो हम एनिमल किंगडम करने वाले हैं आज। और एनिमल किंगडम के अंदर में पहला पैराग्राफ ऐसे कि भाई आप क्लासिफिकेशन क्यों करनी चाहिए वो देख लो भाई, आसान रहता है पढ़ाई। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो सकते हैं, क्या सेल का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी सिमेट्रिकल है कि नहीं है, सीलोम है बॉडी के अंदर में, असली बॉडी कैविटी है कि नहीं है, इसके अलावा पैटर्न कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले कि तुम समझो, यहाँ देख लो, ये सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। अगर टिशू नहीं है तो वो पोरीफेरा बन गया और ये बाकी बन गए टिशू वाले। फिर उसके बाद अगर बायलेटरल सिमेट्री है तो ये लोग बन जाएंगे, और अगर रेडियल सिमेट्री है तो ये वाले लोग। तो ये जो है दोनों हैं, ये दोनों रेडियल सिमेट्री वाले हो गए, तो सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद गट पहले जो है वो प्रोटोस्टोम इधर चले गए और ड्यूट्रोस्टोम इधर चले गए। तो पहले इनका मुंह बना था कि पहले इनका एनस बना था? जिनका एनस पहले बना था वो राइट साइड में, जिनका मुंह पहले बना था वो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में चले गए। उसके बाद क्यूटिकल वाले एक साइड में चले जाओ, मतलब कि आपके आर्थ्रोपोडा वगैरह एक तरफ में। फिर मतलब बेसिक है ये वाला पॉइंट कि अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ सेल पहला पॉइंट, दूसरा बॉडी सिमेट्री देखा हमने कि रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री, सीलोम किस में असली है कि नहीं है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब है कि प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स के पेट पहले, कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही है भाई। माउथ और एनस किस में आता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आता है। तो माउथ पहले बना है, प्रोटोस्टोम्स है कि ड्यूट्रोस्टोम्स है कि बाद में बना है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है कि क्लोज्ड है। तो ये सारे बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के जो हम उठाएंगे और देखेंगे। सबसे पहला लेवल क्या है, सबसे पहला बेसिक तरीका क्या है चीज़ों को क्लासिफाई करने का, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसका, मतलब कि वो सेल के लेवल पे है, मतलब कि वो सेल के गुच्छे के लेवल पे है, कि वो टिशू के लेवल पे है, टिशू मिल जाएंगे तो ऑर्गन के लेवल पे है, ऑर्गन बन मिल जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे है। तो उसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं इन लोगों ने उसी तरीके से, कि स्पंज जो है वो अभी सेलुलर लेवल पे ही नज़र आता है, कि सेल का जो है वो एग्रीगेट है, गुच्छा है सेल का। और सिलेंट्रेट जो है उनमें भी अभी टिशू के लेवल पे आ जाएगा सिलेंट्रेट्स जो है। प्लेटी हेलमिंट्स में ऑर्गन्स देखने के लिए मिल जाएंगे आपको अब, और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनके अंदर में ऑर्गन सिस्टम पूरा का पूरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो एनेलिडा से आगे देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर भी चीज़ों को क्लासिफाई किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, वही ऊपर वाली बात कि भाई इकाइनोडर्म, कॉर्डेट, मतलब कि एनेलिडा से आगे जितने भी हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, है ना। ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम फलाना फलाना। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो तरीके का हो सकता है भाई, ब्लाइंड सैक हो कि भाई केवल चीज़ें अंदर जा सकती हैं बाहर नहीं आ सकती हैं, एक लेवल। लेवल नंबर दो कि भाई चीज़ें अंदर जा सकती हैं और एनस से बाहर आ सकती हैं। लेवल नंबर तीन कि भैया इसका माउथ पहले बना था कि इसका एनस पहले बना था, प्रोटोस्टोम्स है कि ड्यूट्रोस्टोम्स है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई। डाइजेस्टिव सिस्टम का और है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इनकम्प्लीट है कि कम्प्लीट है, उसकी दो ओपनिंग है कि एक ओपनिंग है, कौन सी ओपनिंग जो है वो पहले बनी थी। सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन तरीके का है, खुला हुआ है जैसे कि कॉकरोच में होता है, या फिर क्लोज्ड टाइप है जैसा कि हम लोगों में होता है, नलियों में, वेन्स, आर्टरी, इन सब में खून बहता है। अगला है सिमेट्री। हमने सिमेट्री भी देखी कि किस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म है जो शुरुआत के जो स्पंजेज हैं उनमें कोई सिमेट्री नहीं होगी, वो एसिमेट्रिकल है, लेकिन फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन के अंदर में सिमेट्री का फ़र्क समझ में आया होगा कि अरे सिमेट्री के तो फ़ायदे हैं। तो ऑर्गेनिज्म आसानी से पानी के अंदर में
एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है, रह सकता है, चारों तरफ से खाने को चुन सकता है, देख सकता है, चारों तरफ से प्रेडेटर को देख सकता है, तो फिर उसकी वजह से रेडियल सिमेट्री जो कि हमें सिलेंट्री टेनोफोरा इकाइनोडर्मेटा में दिखाई देती है। फिर इन लोगों ने, ये तो थे, ये ज़्यादातर एक ही जगह जो बैठे रहते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। फिर इन लोगों ने चलना शुरू किया, तो जो चलते हैं, जब आपको किसी एक डायरेक्शन में जाना है तो फिर आप क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप अपने सेंस ऑर्गन्स को लगाएंगे। अगर कहीं नहीं जाना है तो सेंस ऑर्गन्स को चारों तरफ लगाओ कि खाना पता नहीं कहाँ से आ जाए, लेकिन अगर आपको एक डायरेक्शन में जाना है तो मूवमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंस ऑर्गन एक ही डायरेक्शन में डालने पड़ेंगे और वही आपका सिफिलाइजेशन कहलाता है और इसकी वजह से बायलेटरल सिमेट्री आती है। तो बायलेटरल सिमेट्री जो है मूवमेंट में बड़ा योगदान है उसका, तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे मूवमेंट करने वाले लोग हैं। अच्छा, अगला चलते हैं। देखिए, जब सेल जो है, अगला है डिप्लोब्लास्टिक के ट्रिप्लोब्लास्टिक, कि सेल का जब गुच्छा बनने लग जाता है तो गुच्छा बनने के बाद सेल की लेयर्स बन जाती हैं। अब ये लेयर का फ़ायदा ये है कि आप सेल को डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बता रहे हैं। भाई अगर सेल का गुच्छा है और सारी की सारी सेल सारा का सारा काम कर रही है तो ये कम एफिशिएंसी वाली बात है। एक कंपनी है, उस कंपनी में हर बंदा अपना अलग काम कर रहा है, खुद ही आता है, खुद ही दरवाज़ा खोलता है, खुद ही अपना पेपर वेपर का काम करता है, एकेडमिक भी वही देख रहा है, बेच के भी वही आता है, रिपोर्ट भी वही सबमिट करता है। तो ऐसी कंपनी अच्छी है कि वो कंपनी अच्छी है जिसमें एक 15-20 लोग हैं जो खाली बेचेंगे, 15-20 लोग हैं जो खाली बना रहे हैं, 15-20 लोग हैं जो कि एक काम कर रहे हैं, खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, तो वो कंपनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा अच्छा है। तो डिप्लोब्लास्टिक होना या ट्रिप्लोब्लास्टिक होना मतलब कि आपके अलग अलग तरीके की लेयर्स बन रही हैं, कि एक्टोडर्म, हाँ तुम लोग फला 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 ऑर्गन बनाओ, एंडोडर्म तुम लोग फला 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 ऑर्गन बनाओ, तो वहाँ से डिवीजन ऑफ लेबर नज़र आता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसमें केवल दो एम्ब्रायोनिक लेयर हैं, मतलब कि दो लेयर बन रही हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें तीन लेयर होती हैं, जहाँ एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलती है वहाँ पे मीजोडर्म बन जाती है। ऐसे अब जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है कि जहाँ एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलती है वहाँ पर एक जेल लाइक सब्सटेंस रहता है, उसको कह देते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, तो ये रहा आपका, तो आप क्या देखेंगे कि सेल है, सेल से कॉलोनी बन सकती है जैसे कि पोरीफेरा में बन गई, मगर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। फिर टिशू आएगा, टिशू में भी दो तरीके का हो सकता है, रेडियल हो सकता है और बायलेटरल हो सकता है। तो ज़्यादातर रेडियल के अंदर में हमें देखने के लिए मिलता है डिप्लोब्लास्टिक के दो ही तरीके के डिवीजन ऑफ लेबर हो पा रहे हैं, दो ही तरीके के सेल, दो ही तरीके की लेयर्स बन पा रही हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर बन रही हैं सब, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। डर्म का मतलब ही लेयर, वो स्किन होता है ना। तो हल्का सा आइडिया कि भाई किस तरीके से ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो तीन लेयर वाले हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तो एक्टोडर्म से नेल बनेगा, हेयर बनेगा, नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है स्किन, एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, पैनक्रियाज, ये सब है। लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, हमारा काम एनसीईआरटी कवर करना, बट ठीक है, थोड़ी सी अच्छी पिक्चर पेंट करता है ये पर्टिकुलर फ्लो चार्ट। आगे की तरफ जाएंगे भाई, ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि मीजोडर्म जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बन जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो प्लेटी हेलमिंथ से आगे के जो लोग हैं वो आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसके नीचे के जो लोग हैं वो ज़्यादातर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगला है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी या सीलोम, गट को, मेरा मुंह के अंदर से एक पाइप जा रहा है एनस तक, वो बॉडी कैविटी नहीं है। बहुत सोचने समझने वाली बात है, यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। अरे ये है सबसे पहले जिसमें सीलोम ही नहीं है, प्लेटी हेलमिंथ इसका एग्जांपल है, फ्लैट वर्म। इसमें देखेंगे तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को काटेंगे तो बीच में से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जा रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बगल में एक पीले रंग की लेयर है, वो हो गई एंडोडर्म, बीच में पिंक कलर की मीजोडर्म, और सबसे बाहर जो है वो ब्लू कलर की एक्टोडर्म। तो इसमें कोई कैविटी है ही नहीं। अब यहाँ देखिए, अगला है सूडो सीलोमेट। इनमें कैविटी होती है, लेकिन कैविटी जो है वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है। अगर कैविटी दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड हो तब उसको कहते हैं ट्रू
बॉडी कैविटी, यहाँ पर सूडो है, फॉल्स है कि बॉडी कैविटी है तो सही। ये देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेंटर से जा रहा है, ग्रे कलर में है, उसके बाहर पीले रंग का क्या है एंडोडर्म है, फिर बॉडी कैविटी है, फिर मीजोडर्म है, फिर एक्टोडर्म है। बॉडी कैविटी है लेकिन वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। यहाँ देखिए कि बॉडी किस तरीके से दोनों ही तरफ से मीजोडर्म से लाइंड है, जो कि पहली दफ़ा नज़र आता है एनेलिडा के अंदर में, ठीक है। तो एनेलिडा से ट्रू सीलोम की शुरुआत होती है, तो यही आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि कैविटी है बॉडी की जो कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होगी। तो ये देखिए, ये गट वॉल ये रही और बॉडी वॉल ये रही, तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की कैविटी है, बिल्कुल सही है। दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होनी चाहिए तो ही ट्रू सीलोमेट कहलाएंगे। एनेलिडा से आगे वाले जो बंदे हैं उनमें ट्रू सीलोम देखने के लिए मिलता है। अच्छा, सूडो सीलोमेट के अंदर में बॉडी कैविटी है तो सही लेकिन वो लाइंड नहीं होती है मीजोडर्म से, स्कैटर्ड पाउचेस की तरह पड़ी होती है। अच्छा, इसके अंदर में जो एस्केलमिन्स हैं जो कि फ्लैट वर्म वगैरह हैं, ये रहा आपका प्लेटी हेलमिन्स वगैरह हैं, उसमें क्या होता है एस्केलमिन्स में सूडो सीलोमेट और प्लेटी हेलमिन्स के अंदर में ए सीलोमेट हो जाएगा आपका। अगला है आपका क्या चीज़, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, सेगमेंटेशन देखिए क्या रहता है, जैसे आपका अर्थवर्म है, अर्थवर्म में आपने देखा होगा किस तरीके से, इस तरीके से सेगमेंट बने होते हैं, इस तरीके से आपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में देखे हैं, है ना, चाहे वो इंसेक्ट हो, ऐसे अलग अलग सेगमेंट बने रहते हैं। सेगमेंटेशन से फ़ायदा ये होता है कि आपको पूरी बॉडी को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सेगमेंट देख लो, इस सेगमेंट में ये नर्वस सिस्टम डाल दो, इस सेगमेंट में गैशियस एक्सचेंज डाल दो, इसके अंदर में आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एक ही को बना करके उसी की कॉपी पेस्ट मारते रहो तो पूरा का पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और इसी ही चीज़ को रिपीटेशन, कुछ ऑर्गेन्स के रिपीटेशन मिलेंगे, जैसे कॉकरोच में 13 हार्ट मिल जाएंगे इस तरीके से, तो इसको कह देते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म भी इसका नाम होता है। नोटोकॉर्ड, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसके पास, जो देखिए ऑर्गेनिज्म ने जब चलना शुरू किया तो जब उसने चलना शुरू किया तो वो बायलेटरल सिमेट्री हो गई। बायलेटरल सिमेट्री होने के बाद उसको अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना था, तो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के बीच से एक ऐसा नर्व कॉर्ड, क्या चीज़, नर्व कॉर्ड गुजारना ज़रूरी था। उस नर्व कॉर्ड को सहारा देने के लिए एक और स्ट्रक्चर चाहिए था जिसको नाम दिया गया नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जिनमें होता है वो आपका क्या कहलाते हैं, कॉर्डेट कहलाते हैं, और जिनमें नहीं होता है वो नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं, तो ये इसकी फिलॉसफी है। अगले पे आ जाते हैं कि एनिमल का क्लासिफिकेशन चलिए करना शुरू करते हैं हम, ये पूरा एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वही जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से भाई सेल है तो पूरी फेरा, टिश्यू है तो बाकी, फिर रेडियल सिमेट्री है तो सिलेंट्रेट अटेनोफोरा, फिर बायलेटरल है तो दूसरा, फिर उसके अंदर में बॉडी कैविटी है ही नहीं तो ए सीलोमेट, बॉडी कैविटी फॉल्स है तो सूडो सीलोमेट, बॉडी कैविटी ट्रू है तो सीलोमेट, उसके अंदर में एनेलिडा से आगे के आ जाएंगे। यहाँ पर जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती है वो प्लेटी हेलमेंट, जिसमें सूडो होती है वो एस्केलमेंट, यही पढ़ना है हमें डिटेल के अंदर में। अगले पे आ जाते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पॉरीफेरा को, जो कि केवल और केवल सेल्स का गुच्छा मात्र है, सेल का एग्रीगेशन मात्र है, स्पंज है, पानी मरीन में मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे, कोई सिमेट्री नहीं होती है इनके अंदर में, सेल्युलर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, गुच्छा हैं ये लोग, इनके पास ऑस्टिया मिलेगा, स्पंजोसील ऑस्क्यूलम मिलेगा। तो भैया यहाँ देखिए कि किस तरीके से पानी जो है ये पोर से जो है वो अंदर जा रहा है, तो बाहर जो निकल रहा है वो ऑस्क्यूलम, तो ये बाहर जो है ऑस्क्यूलम हो गया, ये बॉडी कैविटी है तो ये स्पंजोसील हो गई, सील याद कीजिए, सीलोम कैविटी, बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी नहीं है लेकिन यहाँ पर इसको स्पंज की कैविटी, केवल इतना शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये स्पंज की कैविटी हो गई। इसके अलावा और भी सेल्स हैं, देखते हैं जो जो सेल्स इसमें दी यहाँ दी होंगी वही हम इधर डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, पाथवे वाटर का है जो कि गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि पानी जो है यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर सेल मौजूद होती हैं जो कि पार्टिकल्स को पकड़ लेती हैं, जो खाने के पार्टिकल्स होती हैं उनको पकड़ लेती हैं। यही कैविटी जो है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेस्ट को रिमूव करने का सिस्टम है वगैरह वगैरह। वही बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेल होती है कोएनोसाइट, कॉलर सेल,
तो कॉलर सेल ये रही आपकी, ये जो दिख रहे हैं ना जिन जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, जो कि जिसके पास ये फ्लैजेला टाइप स्ट्रक्चर है, यही पकड़ पकड़ करके खाने को खींचती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल है कोएनोसाइट। डाइजेशन जो है इंट्रासेल्युलर है। देखिए यहाँ पर डाइजेशन नहीं हो रहा है, बस पार्टिकल को पकड़ के सेल के अंदर ले लेते हैं, तो सेल के अंदर डाइजेशन अगर होगा तो वो इंट्रासेल्युलर हो जाएगा। स्पीक्यूल स्पॉन्जिन देखने के लिए मिलेंगे भाई, इसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर अच्छे से बना रहे तो ये देखिए यहाँ ये कांटे से दिख रहे होंगे, ये कांटे से जो हैं ये स्पॉन्ज स्पीक्यूल्स हैं, या आपके जो के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में हेल्प कर रहे हैं स्पीक्यूल्स। हर्माफ्रोडाइट है, दोनों मेल और फीमेल एक ही पे मिल जाएगा। स्पंज जो है एसेक्सुअल, अगर टूट जाए ये फ्रेगमेंट हो जाए इसका तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है इसका, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल हो रहा है। डेवलपमेंट जो है लार्वा की एक स्टेज आती है, उसके थ्रू वो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो लार्वा है वो मोटाइल होता है, इसलिए मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट बोला हुआ है कि अडल्ट के जैसा नहीं दिखता है, मोटाइल होता है वो। बाकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, साइकॉन स्पॉन्जिला, मतलब एग्जाम्पल तो आपको खैर करने ही पड़ेंगे, मैं ज़्यादा इमेजेस दिखाता रहूँगा। अगला है फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, ये भी ज़्यादातर मरीन है, एक ही जगह बैठे रहते हैं, मोटाइल का उल्टा सेसाइल, या तो से और या फिर एक ही जगह बैठे रहेंगे ऐसे, और या फिर घूमेंगे, फ्री स्विमिंग होते हैं। इसके अलावा रेडियली सिमेट्रिकल है, देख रहे हैं आपके रेडियस के अंदर में रहते हैं, ये रेडियस है, रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है। इनके पास एक खास तरीके का डंक मारने वाला स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसको कहते हैं नेमेटोसिस्ट, वो कुछ ऐसा दिखता है, देखिए यहाँ देखिए ज़रा ऐसा दिखता है, है? सरफेस पे होता है इसके, यहाँ पे सरफेस पे होता है, जैसे झींगा पकड़ लिया इनने, तो जैसे देखिए कि अंदर इसमें कॉइल लगा करके ऐसे गोला सा रखा जाता है, ढक्कन बंद है, थोड़ा सा और खोल देते हैं इसको, तो ढक्कन बंद है, जैसे कोई चीज़ को छूती है, ये ट्रिगर है, जैसे ये चीज़ छुएगी ये करके बाहर निकल जाएगा। देखिए कि इसके ऊपर छोटे छोटे टांके से लगे हुए हैं और ये किसी भी चीज़ को पकड़ लेगा, तो इसी ही चीज़ को कहते हैं नाइडोब्लास्ट। और एक ही बार स्टार्ट हो सकता है, फिर इसको निकाल के फेंक दिया जाता है, दूसरी सेल बना लेते हैं, दूसरा नाइडोब्लास्ट बना लेंगे फिर। तो देखा आपने कि यहाँ से ये ट्रिगर है, यहाँ से किसी ने छुआ, ढक्कन खुलेगा, ये अंदर से निकल के बाहर कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, और इस पर कांटे लगे हुए हैं तो वो चिपक जाएगा किसी भी चीज़ के ऊपर में, और इसी की वजह से जो है ये इसका स्पेसिफिकली नाम जो है वो इसी की वजह से पड़ा हुआ है, नाइडोब्लास्ट की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, ये एंकर करने में इस्तेमाल हो जाएगा, देखा हमने, है ना, या फिर डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर प्रे को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमें अब टिश्यू देखने के लिए मिलता है, दो लेयर बन गई हैं आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म। कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी तो वहाँ पर भी थी। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस तरीके के दिखते हैं, देखिए ये एक कैविटी नज़र आ रही है, ये बिल्कुल एक कैविटी नज़र आ रही है, तो एक कैविटी है जो माउथ की तरह काम करेगी, और ब्लाइंड सैक तरीके का पेट है, सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, ये रही सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग, और माउथ जो है हाइपोस्टोम कहलाता है, ये हाइपोस्टोम है, हो गया। अच्छा, जो कुछ नाइडेरिया हैं वो कोरल्स बना लेते हैं, उनके पास स्केलेटन आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो अपने आप को हार्ड कर लेते हैं। ये दो तरीके का लाइफ फॉर्म दिखाते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। तो जो पॉलिप है वो जो पॉलिप है, देखिए रंग देखा कीजिए, रंग से पहचानिए कि ये ऑरेंज है, तो ये सब इसी ऑरेंज वाले की बातें हो रही हैं, ये ब्लू है तो ये सारी ब्लू वाली बातें हो रही हैं। खैर पॉलिप है तो सेसाइल है, मतलब एक ही जगह बैठा रहेगा, ये वाला देखिए एक ही जगह बैठा रहता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है कैसा है, ऐसा है, एक ही जगह बैठा रहेगा, ये देखिए कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा पॉलिप है, ये पॉलिप है, ये मेड्यूसा है, ये पॉलिप है, ये मेड्यूसा है। तो पॉलिप वाला एक ही जगह बैठा रहेगा, सिलेंड्रिकल है, हाइड्रा एडामेसिया उसके एग्जाम्पल हो गए, मेड्यूसा क्या हो गया, जो कि अम्ब्रेला शेप्ड है, जिसमें ऑरेलिया जेलीफिश फ्री स्विमिंग आ गए, ये वाले जो हो गए ये किस में आ गए, ये वाली स्थिति है, मेड्यूसा वाली स्थिति है, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, तो ये ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, इसी को इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं या मेटाजेनेसिस कहते हैं। पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो बस ये ऐसे चलता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है।
एक दूसरे के पूरक हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जेलीफिश जो है वो अमर है। कैसे? कि उसकी एसेक्सुअल वाली फॉर्म सेक्सुअल में बदल जाती है, सेक्सुअल वाली फॉर्म एसेक्सुअल में बदल जाती है, मरता ही नहीं है वो। अगले पे चलेंगे। अगला है हमारा फाइलम टेनोफोरा। टेनोफोरा के अंदर में बिल्कुल पानी के अंदर ही है, रेडियली सिमेट्रिकल है, अभी भी रेडियल सिमेट्री ही चल रही है, अभी भी डिप्लोब्लास्टिक ही है, दो ही लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। टिश्यू लेवल पे है, अभी भी इसके पास किसी भी तरीके के ऑर्गन्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। कॉम्ब प्लेट है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये कॉम्ब प्लेट है जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर सकता है। ये असली फोटो है, ये असल में प्लूरोब्राकिया ऐसा दिखता है। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, देख रहे हैं आप, चमक रहा है इधर की साइड में, ये चमक रहा है। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेक्सुअल तरीके से करते हैं। फर्टिलाइजेशन बाहर की तरफ है और इनडायरेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा प्लेटी हेलमिंथ। प्लेटी फ्लैट है ना, मतलब फ्लैट वर्म। तो फ्लैट वर्म जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या है, एंडो पैरासाइट मिलते हैं, शरीर के अंदर जाके पैरासाइट की तरह काम करते हैं। अब चूंकि इन लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिया है तो देखिए बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों लेयर हैं। देखिए सबसे अंदर वाली ये पिंक वाली एंडोडर्म, ये बीच वाला मीजोडर्म और बाहर वाला एक्टोडर्म, और कोई कैविटी नहीं है, और कैविटी नहीं है तो एसीलोमेट कहलाएंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से, सरफेस से चीज़ों को इस तरीके से अपने सरफेस के लेवल पे ही एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। इनके शरीर के अंदर में इस तरीके से नेटवर्क होता है फ्लेम सेल्स का। ये फ्लेम सेल ऐसी दिखती है, ऐसा लगता है जैसे लैंप के अंदर में आग जल रही हो, और वहाँ से इसका शब्द नाम आया है फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स इनके अंदर में, और फ्लेम सेल्स फ्लेम बल्ब मिल करके नेफ्रीडियम ये सब बनाता है। देखिए भाई, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब, फ्लेम सेल्स जो हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प कर रही हैं। सेक्स जो है वो अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर में ही है, और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। ये अलग अलग कैटेगरी है जो कि आप अगर डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, जो 200 घंटे का लेक्चर सीरीज है, तो वहाँ ये डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा हैं, ये सब चीज़ें जो हैं जो एक कदम आगे की हैं। अगला चलते हैं। एस्केल मीन्स जो है हमारे राउंड वर्म है। राउंड वर्म और अर्थवर्म सेम नहीं है। अर्थवर्म आता है एनेलिडा में, राउंड वर्म अलग चीज़ है। यहाँ पर अब ऑर्गन सिस्टम पहली दफ़ा देखने को मिल रहे हैं, ऊपर तक ऑर्गन थे, ऑर्गन सिस्टम आ गए हैं। बायलेटरल क्योंकि मूवमेंट है तो बायलेटरल ये सिमेट्रिकल तो होगा ही। अब ऊपर वाला ही अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक था तो नीचे अभी मतलब प्लेटी हेलमिंथ्स के बाद जो कोई भी एग्जिस्टेंस में आएगा या होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा। बॉडी कैविटी है तो सही, लेकिन वो सूडोसोलोमेट वाली है जो सबसे ऊपर देखी थी कि बॉडी कैविटी है, लेकिन एक ही तरफ से मीजोडर्म से लाइंड है। मस्क्यूलर फैरिंग्स है इसके अंदर में। बॉडी वेस्ट जो है वो एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। ये चूँकि अर्थवर्म नहीं है, ये डायोशियस है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और फीमेल जो होती हैं कंपैरेटिवली लॉन्गर होती हैं मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही है, और कुछ में डायरेक्ट हो सकता है, कुछ में इनडायरेक्ट हो सकता है। अगला है फाइलम एनेलिडा। अब इसके अंदर में क्योंकि ऊपर ऑर्गन सिस्टम आ गया है तो इसके नीचे सब में ऑर्गन सिस्टम तो मिलेगा ही मिलेगा। बायलेटरल मूवमेंट कर रहे हैं तो बायलेटरल सिमेट्री है। तीनों लेयर मौजूद हैं और तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो भाई जो प्लेटी हेलमिंथ्स है उसके नीचे जितने भी हैं सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब यहाँ पहली दफ़ा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये जो है ये सेगमेंटेशन वाला जो पाप वो है वो पहली दफ़ा देखने के लिए मिलता है। इनके अंदर में ट्रू सीलोम होता है, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ट्रू सीलोमेट हैं कि भाई बॉडी कैविटी है और बॉडी कैविटी दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड भी है। जो सेगमेंट होते हैं उसको मेटामर्स बोल देते हैं। नाम ही आ रहा है कहाँ से, एन्यूलस, एनेलिडा, एनुअल है ना, ये हर साल एक के बाद एक, तो वहीं से नाम ही उसका मतलब ही होता है लिटिल रिंग्स। भाई चूंकि मूवमेंट करना है, इस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए, तो आप देखिए कि हमारे पेट के अंदर में दो तरीके की मसल्स होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर, और वो यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रहा है कि हम इनकी बॉडी के अंदर में भी लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होंगी जो कि लोकोमोशन में मूव करेंगी।
कुछ के अंदर में छोटे छोटे पैर भी होते हैं, उनको पैरापोडिया बोल देते हैं, जो कि स्विमिंग वगैरह में भी हेल्प कर सकते हैं। जो जिस तरीके से ऊपर वाले में फ्लेम सेल्स था, यहाँ पे पूरा का पूरा नेफ्रीडिया या नेफ्रीडियम आ जाता है, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर में हेल्प करेगा। कुछ हैं जो कि डायोशियस हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं जो कि मोनेशियस भी हो सकते हैं। तो नेरिस जो है डायोशियस है, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। अर्थ वर्म और लीचेस जो है मोनेशियस है, मतलब कि दोनों के दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर मौजूद है। अगला फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है, देखिए पानी से अब निकल करके धरती पे आ गया था। अब पानी में तो आपको सपोर्ट दे देता है बायोन्सी फोर्स, लेकिन अब जब बाहर आप आते हैं पानी से, तो फिर आपको सपोर्ट चाहिए, और उसके लिए फिर इसके अंदर में स्केलेटन आया। तो सारे इंसेक्ट के अंदर में आपको स्केलेटन देखने के लिए मिलेगा, और जो स्केलेटन जो होता है वो ज़्यादातर काइटिन का बना होता है। खैर देखते हैं, आइए। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब आर्थराइटिस मतलब जॉइंट, पोडा मतलब के पैर, जहाँ पर जॉइंटेड लेग हों, ये जॉइंटेड लेग है। ज़्यादा 2/3 स्पीशीज जो अर्थ पे हैं वो आर्थ्रोपोडा हैं, क्योंकि इंसेक्ट ही इतने सारे हैं। ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ऊपर वाले में भाई इनके अंदर में सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम है, सब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। मूवमेंट करते हैं तो बायलेटरल सिमेट्री है ही। ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि तीन लेयर आ चुकी हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म। सेगमेंटेड है, हाँ इनमें सेगमेंट देखने के लिए मिलता है, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन है सेगमेंट में, बराबर बराबर नहीं होते हैं सेगमेंट। सिलोमेट है, हाँ ट्रू सिलोमेट है भाई, सबसे जो एनेलिडा के सारे ट्रू सिलोमेट हैं। बाहर जो बॉडी है, जो काइटिन की जो बॉडी होती है, वो है चिटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं उसे, काइटिन की बॉडी है। बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हेड वाला पार्ट हो गया ये, थोरेक्स वाला पार्ट हो गया ये, आपका एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया। जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, आर्थ्रोपोडा का मतलब ही जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है। रेस्पिरेशन बहुत तरीके हैं, ये देखिए ये गिल्स हैं, अलग अलग तरीके के बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं। ये देखिए बुक लंग्स का मतलब ये होता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो लंग्स हैं वो स्पाइडर में इस तरीके से दिखता है। तो स्पाइडर में देखिए ऐसा लगा ना, शेल्फ में जैसे किताबें रखी हुई हों सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, तो वो इसलिए होता है। ट्यूब्यूल्स होते हैं इस तरीके की, स्पाइरिकल्स, और ये ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं, जो कि ट्रेकियल ट्यूब्स हेल्प करती हैं सांस वगैरह लेने के लिए। ये रहा ट्रेकियल सिस्टम, तो ये ट्रेकियल सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, आप किसी कॉकरोच को मार देते हैं तो वाइट वाइट निकलता है, वो सारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। चूंकि ये पानी से पहली दफ़ा बाहर आ रहे थे, तो एक चीज़ जिसने आर्थ्रोपोडा को सबसे ज़्यादा फैलने में हेल्प करी है, वो है उसके सेंस ऑर्गन्स के। इसके अंदर में सेंस ऑर्गन जो है भर भर के हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देख सकते हैं, उड़ सकते हैं, मैकेनोसेंसरी होता है इनके अंदर में, एनल सरकाई से वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं, बहुत तरीके के इनके जो सेंस ऑर्गन है बड़े खतरनाक है। एंटीना आए, कंपाउंड आए, सिंपल आए, स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन। बैलेंसिंग ऑर्गन हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए जो चल रहा होता है हमारे अंदर में, जैसे हमारा कॉकलिया वगैरह है, वेस्टिबुलर सिस्टम। कॉकलिया सुनने के काम में आएगा, वेस्टिबुलर सिस्टम हमारा बैलेंसिंग के लिए काम में आएगा। एक्सक्रीशन जो है वो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो रहा है। इसके अंदर में आप कॉकरोच का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ भी चुके हैं, और इसमें आई 11th क्लास में भी पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर में ही हो रहा है। अंडे देते हैं भाई, ज़्यादातर इंसेक्ट्स अंडे देते हैं। डेवलपमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये जो अपनी बाहर की जो लेयर है उसको शेड करते हैं, एक्डाइसिस बोलते हैं। जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट हो सकती है, मेटामॉर्फोसिस हो सकता है। तो ये सब उसके, और ये सारे के सारे एग्जांपल हैं जो आपको करने हैं। अगले फाइलम पे चलते हैं, फाइलम मलस्का। अगला है आपका फाइलम मलस्का, जो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, उससे दूसरे नंबर पे कोई आता होगा तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा मलस्का। मलस्का टेरेस्ट्रियल भी, मतलब कि पानी में भी मिल जाएंगे और पानी के बाहर भी मिल जाते हैं, मरीन भी मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर भी मिल जाएंगे। मूवमेंट करते हैं, इसलिए बायलेटरल सिमेट्रिकल है। हम डिस्कस कर ही चुके थे कि भैया आपका जो प्लेटी हेलमेंट्स है उसके बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एनेलिडा के बाद के सारे सीलोमेट हैं,
इनकी बॉडी पर कैलकेरी शेल जो है ये देखने के लिए मिल जाएगा। शरीर को आप ये इस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये हेड हो गया, ये विसरल हम्प हो गया, और ये जो है मस्कुलर फुट हो गया। ये तीन पार्ट हैं इसके। फेदर लाइक गिल्स हैं जो कि पीछे की तरफ, जैसे गिल्स मुंह की तरफ नहीं है, गिल्स जो है इसके पिछवाड़े की तरफ रहता है। एनस की साइड, ये रहा एनस और ये रहा आपका फेदर। फेदर है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो वो फेदर गिल्स की तरह काम कर जाएंगे। दे हैव, और गिल्स का अपने आप में भाई हमारे शरीर के अंदर में भी, तो हमारा जो लंग्स है वो CO2 जो कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको शरीर के बाहर फेंक रहा है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स, जो मुंह जो होता है, जीभ जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है, हमारी तरीके की जीभ नहीं है। उसके अंदर में ऐसे देखिए कितना गोला गोला सा है, बड़ा हार्ड होती है, और वो चीज़ों को इंटरनेट पे बड़ी वीडियोस हैं स्नेल्स की खीरा खाते हुए, वो देखिएगा, बड़ी अच्छी है मतलब वियर्डली सेटिस्फाइंग। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और अंडे देते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला फाइलम पे चलते हैं। अगले फाइलम का नाम है फाइलम हेमीकॉर्डेटा। अगले फाइलम का नाम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, मतलब के कांटे। डर्म का मतलब होता है स्किन, तो स्किन के ऊपर कांटे को बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। जैसे कि आपका सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो आपका क्या है, सी अर्चिन है, बड़ा बेहतरीन, कांटे ही कांटे हैं उसके से। अब इसके अंदर में खास बात यह है कि ये रेडियली सिमेट्रिकल है, ये ज़्यादा उतना कूदते फांदते नहीं है। तो अगर कूदते फांदते नहीं है तो फिर ये रेडियली सिमेट्रिकल मिल जाएगा, स्टारफिश वगैरह जो है उसके एग्जांपल हैं। लेकिन लार्वा चूंकि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना चाहता है और करता है, इसलिए लार्वा जो है बायलेटरल सिमेट्री का मिल जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और माउथ है इसके अंदर में और वेंट्रल साइड है एंड एनस। मतलब पॉइंट यही है कि भैया इसके अंदर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि याद कीजिए, हम बात कर रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो नहीं होना, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होना, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में मुंह पहले बनाए कि एनस पहले बनाए, तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर में एनस पहले बनता है और उसको ड्यूट्रोस्टोम्स की कैटेगरी में हम डालते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है ही नहीं, लेकिन वाटर का वैस्कुलर सिस्टम है जो कि ये सभी चीज़ों का काम करता है, लोकोमोशन का काम कर लेता है, कैप चीज़ों को पकड़ने का, खाने को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने का, रेस्पिरेशन का, ये सारा का सारा जो काम है ये इस तरीके से आपका, अगर पूरा का पूरा स्टारफिश है तो स्टारफिश के अंदर में यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा का पूरा ट्यूब फीट, ये ट्यूब फीट है आपका पूरा का पूरा, ये देखिए ये है ट्यूब फीट आपका स्पेसिफिक। अगला फाइलम है हेमीकॉर्डेटा। कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, बोल रहा है कि देखो ऐसा है कि पहले इसको कॉर्डेट्स के साथ में रखा हुआ था, फिर निकाल के अलग रख दिया, हेमीकॉर्डेटा के नाम से है। रूडिमेंट्री कॉलर रीजन, स्टोमोकॉर्ड और देखने को मिलेगा इसमें, जैसे नोटोकॉर्ड होता है हेमीकॉर्डेटा के अंदर, क्योंकि इसका नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड की तरह नहीं है पूरा का पूरा, तो उसको एक अलग कैटेगरी बना दी हेमीकॉर्डेटा। वर्म की तरह ही है, पानी में रहता है, मरीन में है, वर्म की तरह ही है, मूवमेंट करता है तो बायलेटरल सिमेट्री होगी। जो हमारे प्लेटी हेलमेंट से उसके बाद से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो चुके हैं, जो हमारा एनेलिडा है उसके बाद से सिलोमेट शुरू हो चुके हैं। प्रोबोसिस है इसके पास, ये एंटीरियर एक स्ट्रक्चर रहता है, इसको कहते हैं प्रोबोसिस। प्रोबोसिस ये देखिए, समझ लीजिए आप, एक जैसे अलग अलग प्रोबोसिस मंकी होता है, प्रोबोसिस मंकी मतलब अलग से कोई एक अपेंडिज निकला हुआ होना, अलग से ही दिखता है वो, तो उसको प्रोबोसिस बोल देते हैं। प्रोबोसिस मंकी की फ़ोटो देखिएगा, मतलब मैं लगाया नहीं बट आप देखिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर में ओपन है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड है, सेक्सेस अलग अलग हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, ये बेसिक है। इसके अंदर में NCERT वालों ने हेमीकॉर्डेटा पे ज़्यादा जोर तवज्जो नहीं दिया, बस एक एक शब्द जो है वो आपको दे दिया है। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइलम है, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, दैट इज़ अ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा जो है वो देखिए, उसके अंदर में नोटोकॉर्ड मिलेगी, और नोटोकॉर्ड भी मिलेगी वो भी पीछे की तरफ, जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पीछे से गुजरती है, लेकिन जो कॉकरोच है उसमें सामने की तरफ से उसका नर्वस सिस्टम जो है वो गुजरता है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका। तो क्या क्या कॉर्डेट्स की जो कुछ प्रॉपर्टी हैं वो क्या क्या हैं, हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल्स, लेट बायलेटरल, ये पोस्ट एनल टेल, ये सब।
देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ही कब से, प्लेटिहेलमिंथ के बाद से। सीलोमीट होगा कब से, एनिलेटा के बाद से। सिमेट्रिकल होगा कब से, क्योंकि बाइलेटरल सिमेट्रिकल है क्योंकि मूवमेंट है। ऑर्गन सिस्टम तो भाई बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। अब तो बचा क्या, बचा है ये हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लेट्स, पोस्ट एनल टेल। ये तीन चीज़ें बनी हैं और ये तीन चीज़ें जिंदगी के किसी भी स्टेप पे हो सकती हैं, चाहे लार्वा की कंडीशन में हो चाहे अडल्ट की कंडीशन में हो, लेकिन ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। हॉलो नर्व कॉर्ड मतलब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी हॉलो है, वो भी सेंटर में से उसमें छेद है, सेंट्रल केनाल बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर में से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड गुजरता है, तो हमारा नर्व कॉर्ड भी हॉलो है। फेरेंजियल गिल स्लिट जब हम पैदा हो रहे, मतलब जब हमारा गर्भ के अंदर में डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके वक्त पे, उस वक्त पे आते हैं गिल स्लिट्स हमारे, जो बताते हैं कि हमारे पूर्वज पानी में हुआ करते थे जहाँ गिल्स की ज़रूरत पड़ा करती थी, तो गिल स्लिट्स मिल जाएंगे। अडल्ट के अंदर में वो वर्किंग हो कि ना हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ एम्ब्रियो वाली कंडीशन में मिलेंगे ही मिलेंगे। पोस्ट एनल टेल हमारी जो पूंछ हुआ करती थी लेकिन वो अब कॉकिक्स वर्टिब्रे की फॉर्म में सिमट करके रह गई है, तो कुछ लोगों में वो निकल आती है पोस्ट एनल टेल, और बाकी ऑर्गेनिज्म में तो है ही, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट का। अब क्या कर रखा है, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा इतना बड़ा है तो आपको वो इंट्रोडक्शन करा रहा है कि भैया फाइलम जो कॉर्डेटा है उसको सब फाइलम में यूरोकॉर्डेटा या उसका दूसरा नाम ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ये तीन जो हैं उसमें डिवाइड किया जा सकता है। तो ये देखिए आपका जैसे कॉर्डेटा है तो उसको आप एक हो गया उसका क्या, एक हो गया उसके वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स दूसरी तरफ नॉन वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट के अंदर में आपका यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये आ जाएंगे। तो ये फ्लो चार्ट आप याद रख सकते हैं। एक प्रॉपर्टीज़ बताना शुरू कर रहा है कि भाई सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा, दोनों को मिला दो तो प्रोकॉर्डेटा के अंदर में रख लो। ये हमेशा पानी में ही रहते हैं, कहीं बाहर निकलते ही नहीं। यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा स्टेज की, भैया ये जो यूरोकॉर्डेटा है इसमें केवल लार्वा की स्टेज तक टेल मिलेगी, लेकिन सिफेलोकॉर्डेट जो है उसमें जीवन पर्यंत जो है आपको टेल देखने को मिलेगी। अगला जो सब फाइलम है दैट इज़ द वर्टिब्रेटा, जो हमने अभी डिस्कस किया था, इसके पास बढ़िया मस्त एकदम बेहतरीन नोटोकॉर्ड होती है, और ये जो नोटोकॉर्ड होती है यही आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम बनती है। भाई जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म था, चल रहा था, और उसको किसकी ज़रूरत पड़ी, न्यूरॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने नर्व कॉर्ड बना दी। नर्व कॉर्ड को सहारा देने के लिए नोटोकॉर्ड आ गया, और वही जो आज की तारीख में हमारे अंदर में वो जो नर्व कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, और जो नोटोकॉर्ड है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, बिसाइड द बेसिक कॉर्डिक कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव मस्कुलर हार्ट है, दो तीन और चार चैम्बर, देखें कि इसमें दो होता है कि इसमें तीन होता है कि इसमें चार होता है, किडनी, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, ये सब करेंगे डिटेल में। आइए अब वर्टिब्रेट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स जो है देखिए सबसे पहले क्योंकि है तो पानी में ही, तो एक ऐसी फिशेस का जिक्र करेंगे जिसमें जॉ नहीं होता है। तो ये देखिए जो शुरुआत वाली जो फिशेस में होती थी वो ऐसी होती थी जिनमें गिल स्लिट्स मिल जाएंगे, और गिल स्लिट्स से पानी लेकर के ये ऑक्सीजन तो ले लेती थी, लेकिन इनका जो मुंह होता था वो गोल होता था, और क्योंकि जबड़ा तो है नहीं, लैक जॉ, मुंह गोल गोल है, गिल स्लिट्स हैं, और गोल गोल मुंह की वजह से साइक्लो का मतलब क्या होता है, गोल, साइक्लोस्टोमेटा जिनका मुंह गोल है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, गैथनोस्टोमेटा जिनके पास जॉ है। अब हुआ यूं कि ये जो गिल स्लिट की हड्डियां थी, हड्डियां नहीं है बट ठीक है, जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं वही धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगे, और आगे की तरफ बढ़कर धीरे धीरे उन लोगों ने क्या बना दिया, जबड़ा बना दिया। तो इनके अंदर, इनके पास क्या है, जॉ होता है, तो जॉ होगा तो उसके अंदर में एक है कॉन्ड्रेक्थाइस, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज, तो भाई एक हो गई ऐसी फिशेज जिनके पास जबड़ा ही नहीं है, फिर वो वाली फिशेज जिनके पास, जिनकी गिल स्लिट जो है जबड़े में तब्दील हो गई है, तब्दील होने के बाद ऐसी फिशेज हैं जो कि कॉन्ट्रेक्थाइज है, मतलब जो शरीर के अंदर में जो हड्डियां हैं वो अभी कार्टिलेज की हैं, और फिर उसके बाद ऑस्टेक्थाइज आता है जिसके शरीर में जो हड्डियाँ हैं वो कैसी हैं, बोन्स की हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियम, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह वगैरह, और फिर दूसरी तरफ हैं जिनके पास जो कि ज़मीन पे आ गए हैं, ज़मीन पे आ गए हैं तो चार पैर हैं, तो फिर कौन कौन से हो जाएंगे उसके अंदर में क्लास, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, पक्षी, मैमल, ये पढ़ेंगे हम।
तो सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा, जिसके पास जबड़ा नहीं है, गोल मुंह है, फिर उसके बाद जिनके पास जबड़ा है, फिर उसके बाद कार्टिलेज का बोन है कि आपका कार्टिलेज का है कि ऑस्टियो के हड्डियां वैसी हैं, कार्टिलेज है केवल और केवल, या फिर आपका बोन है, मतलब शब्द इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो रहा है मेरे से। क्लास जो है उसके अंदर में क्या आ जाएगा, एम्फीबियंस, जो पानी, अब भाई पानी जो मछलियां हैं वो धीरे धीरे पानी से बाहर होने की कोशिश करेंगी, तो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाएंगी, एम्फीबियन बन जाएंगे, जो पानी में भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं, फिर रेप्टाइल, फिर पक्षी, फिर मैमल। सबसे पहले चलते हैं साइक्लोस्टोमेटा के ऊपर। साइक्लो मतलब गोल मुंह वाली जो है, ज़्यादातर ये एक्टो पैरासाइट हैं, दूसरी मछलियों के बदन पर चिपकी रहती हैं। 6 से 15 गिल स्लिट्स होते हैं इनके पास। सकिंग गोल वाला मुंह होता है, सर्कुलर मुंह होता है, जॉ भी नहीं होते हैं। इनके पास कोई स्केल नहीं है शरीर के ऊपर में। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम जो है कार्टिलेजिनस है, सर्कुलेशन क्लोज हो चुका है। और ये इम्पॉर्टेंट है इनका कि भाई अक्सर जो मछलियों में देखा जाता है, चारों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। फ्रेश वाटर में बच्चा देंगी, वहाँ जाकर के समुद्र में रिप्रोडक्शन करेंगी, समुद्र में रिप्रोडक्शन करेंगी, फ्रेश वाटर में आकर के अंडे देंगी। तो साइक्लोस्टोम जो होते हैं वो होते तो समुद्री जीव हैं, लेकिन ये माइग्रेट करते हैं नदी की तरफ, वहाँ पर जा कर के अंडे देते हैं, फिर वहाँ पर जा कर के कुछ ही दिनों के अंदर में मर जाते हैं, फिर लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस करके वापस से ओशियन में आ जाते हैं। अगला है कॉन्ड्रैक्टाइल्स, मतलब कि कार्टिलेजिनस वाली जो फिशेज हैं, जैसे कि शार्क वगैरह। तो इनके अंदर भाई स्ट्रीमलाइन बॉडी तो होगी, पानी में तैरना है तो बढ़िया एकदम मस्त बॉडी होनी चाहिए। एंडोस्केलेटन जो है भाई शरीर के अंदर में स्केलेटन है और वो कार्टिलेज का है। नोटोकॉर्ड तो होगी भाई ऊपर उसके अंदर में है, वर्टिब्रेट्स के अंदर में है, और पूरी ज़िंदगी रहती है। इनके पास क्या है कि ऑपरक्यूलम रहता है, ऑपरक्यूलम गिल कवर रहता है कि भाई आपका गिल का कवर है, जो कि आपको हर उसमें देखने को मिलेगा, भाई गिल का कवर तो देखने को मिलता ही। लेकिन इनका जो गिल का कवर होता है वो अलग होता है, अच्छा उससे जो आपके बोनी फिश है उससे, कॉन्ड्रैक्टाइल जो होती हैं उनमें ऑपरक्यूलम नहीं होता है, विदाउट ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम, अब देखिए इसकी फिलॉसफी ये है कि शार्क को हमेशा तैरते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो तैरेगी नहीं तो उसके पास ना ऑपरक्यूलम नहीं है। ऑपरक्यूलम होता है तो वो ऐसे करके पानी को अंदर मारा जा सकता है, जिसकी वजह से आप सांस ले सकते हैं, आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ मारने के लिए ऑपरक्यूलम है ही नहीं, गिल के ऊपर कवर है ही नहीं, तो फिर आपको भागना पड़ेगा, और पानी के अगेंस्ट जब आप ऐसे मारेंगे तो उसकी वजह से पानी अंदर की तरफ जाएगा और उसकी वजह से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए शार्क को ज़्यादातर हमेशा तैरते रहना पड़ता है। इनकी स्किन टफ है, प्लैकॉइड स्केल मिलते हैं, जॉ तो खैर खतरनाक है ही, वे शार्क है, जॉ तो मिलेगा ही। प्रेडेशर्स होते हैं, दूसरे को खा सकते हैं। इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, एयर ब्लैडर अगर नहीं होगा भाई क्या होता है, शार्क को अभी बोला कि तैरते रहना पड़ता है, उसके पास शरीर में बायोन्सी बनाने के लिए एयर ब्लैडर भी नहीं है, उसको भागते रहना पड़ेगा केवल और केवल, ताकि वो सिंक ना हो जाए। सोचिए मछली अगर तैरेगी नहीं तो डूब जाएगी, ये वाली कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं। इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, भाई हार्ट, दिल जो होता है वो 2 चैम्बर का होता है केवल और केवल, ऑरिकल और वेंट्रिकल बस। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन वाली टोरपीडो ये है, पॉइजन स्टिंग वाली ट्राइगॉन ये है। पॉइजन स्टिंग रे ने ही स्टीवन को मारा था, जो वन ऑफ द बेस्ट बेयर ग्रिल से पहले हुआ करते थे। कोई कोल्ड ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, बाहर के टेम्परेचर जैसा रहेगा वैसा टेम्परेचर इनका रहेगा। पेल्विक जो पीछे की तरफ के जो फिन होते हैं उस पर क्लैस्पर होता है, जिसको पकड़ करके अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है मेल्स में, जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में थोड़ी आसानी रहती है, फीमेल को पकड़ा जा सकता है। कॉम्ब होता है जैसे कि मक्खियों में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और अंडे देती हैं, ठीक है। अगला है ऑस्टियोक्थाइज। ऑस्टियोक्थाइज में ये देखिए कि जो बाहर की तरफ गिल का कवर भी मिलेगा, जिसकी वजह से वो ऐसे गिल के ऊपर में जो है, ये गिल है, गिल के ऊपर में वो पानी मार सकते हैं और ऑक्सीजन ले सकते हैं। बॉडी के अंदर में ये भी मिलेगा, स्विमिंग ब्लैडर भी मिलेगा, जिसकी वजह से इसमें हवा भर के वो एक ही जगह पर बायोन से लेकर के ऐसे एक ही जगह खड़े रह सकते हैं, एयर ब्लैडर है।
बोनी एंडोस्केलेटन है, ऑपरक्युलम है इनके पास, दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स जो कि ऑपरक्युलम है जिसकी गिल का कवर है, स्किन कवर्ड विद स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर, आपने मछली बनाई होगी तो स्केल बनाए होंगे, हार्ट दो चैम्बर है जो ऊपर वाले की तरह ही है, कोल्ड ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, सेक्स अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर की तरफ होता है कि इधर से मेल ने अंडे फेंक दिए उधर से फीमेल ने अंडे फेंक दिए, और बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है और ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। अगला हम क्या देखेंगे कि यही मछलियों के जो हाथ पांव हैं वो धीरे धीरे भाई छिछला कहीं ऐसी जगह रही जहाँ पर पानी कम हो गया, पानी कम होने की वजह से वही मछलियाँ सरवाइव की जिनकी जिनके पास थोड़ा जो जिनका जो जो फिन थे थोड़े बड़े बड़े थे और जो कीचड़ में चल पा रही थी, और वो कीचड़ में चलने की वजह से वो धीरे धीरे अर्ली एम्फीबियन, फिर करते 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 आज की तारीख में हमारे पास सेलेमेंडर भी मौजूद है और ऐसे भी एम्फीबियन मौजूद है जिनके पास पाँव ही नहीं है, एपोडा विदाउट पैर। आइए देखें ज़रा, तो एम्फीबियन मतलब दोहरी जिंदगी जीते हैं, पानी के अंदर में भी रहते हैं टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, इनके पास हेड होगा ट्रंक होगा है ना। एम्फीबियन की स्किन जो है तो ये मॉइस्ट होती है क्योंकि स्किन से भी ये लोग गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं फिलहाल। देयर आईज हैव आईलिड्स होंगी पानी के नीचे जाने के लिए, पानी के बाहर रहने के लिए। टिम्पैनम जो एक लेयर रहती है खाली, वो टिम्पैनम जो कि ईयर की तरह काम करती है। एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी ब्लड, अच्छा इनकी जो तीनों जो ओपनिंग है, एलिमेंट्री कैनाल खाने के लिए पॉटी के लिए, यूरिनरी ब्लैडर की और रिप्रोडक्शन की, तीनों की एक ही ओपनिंग है जिसको क्लोइका कहते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स लंग्स थ्रू स्किन, तीनों तरीके से गैसेस का आदान प्रदान कर सकते हैं। दिल अभी भी, दिल अब एम्फीबियन के अंदर में तीन चैम्बर का हो गया है, दो ऑरिकल हैं एक वेंट्रिकल है, तो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से अब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी वजह से तीन चैम्बर वाला हार्ट अच्छा है। सेक्स अलग अलग है, मेल फीमेल अलग अलग है, फर्टिलाइजेशन बाहर की तरफ ही होता है, अंडे देते हैं ये लोग। ऊपर एम्फीबियंस के अंदर में फिशेज के अंदर में एक वेंट्रिकल एक एट्रियम इस तरीके से दिखेगा, और जो हम रेप्टाइल वगैरह अभी देखेंगे उसके अंदर में भी और ऊपर वाले में भी दो एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, देखिए इस तरीके से मिक्सड ब्लड जो है बॉडी के अंदर में मिक्सड ब्लड जो है वो आपका लंग्स की तरफ फेंक दिया जाता है, वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होकर के बॉडी में चला जाता है। अगली क्लास है अगला पैराग्राफ है रेप्टाइल का, रेप्टाइल के अंदर में भाई वो क्रीपिंग क्रॉलिंग जमीन पे लपेट के चलने वाले, कॉर्निफाइड स्किन होती है स्किन, एपिड स्कूट्स मतलब स्केल्स होते हैं बेसिकली, बाहर की तरफ कान नहीं होते हैं केवल और केवल एक छेद होता है जो कि जिसके अंदर में एक ले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी वही ईयर है, पैर नहीं होते हैं मतलब पैर होते हैं बट दो पेयर हैं, दिल जो है तीन चैम्बर का है देख लिया, क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन है जिसका चार चैम्बर का हार्ट होता है, अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं और अपनी स्किन को शेड करते हैं जैसे जिसको सांप कैंचुरी छोड़ता है उसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर है और ओवी पैर से अंडे देते हैं और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट उसमें से सांप ही निकलता है अंडे में से। अगला है एव्स पक्षी, रेप्टाइल्स ही आगे चल करके या डायनासोर के ही जो वंशज हैं वो हैं पक्षी, फेदर जो कि आपका वही जो जैसे इसके अंदर में जो स्केल्स हुआ करते थे वही स्केल्स आगे चल करके धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फेदर के अंदर में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं, चोंच होती है बीक होती है विंग्स होते हैं और ये हर तरीके से मिल जाएंगे, ये इनके पास दे हैव स्केल्स मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, वॉकिंग के लिए स्विमिंग, पकड़ने के लिए ट्री ब्रांचेस को, और इनके पास जो होता है स्किन जो होती है वो इज ड्राई, स्किन जो होती है ड्राई होती है उसमें कोई ग्लैंड नहीं होता है लेकिन एक जगह एक ग्लैंड है ऑयल ग्लैंड जो कि टेल के पास होता है। एंडोस्केलेटन जो है वो हड्डी का होता है और वो थोड़ा सा लाइट है, एयर कैविटीज़ हैं उसके अंदर में ताकि ओवरऑल बॉडी का मास जो है वो कम किया जा सके। क्रॉप और गिजर्ड स्पेसिफिक पहचान है मुर्गी मतलब पक्षियों की जो है, ये मिट्टी कंकड़ पत्थर खा लेते हैं गिजर्ड के अंदर में पड़े रहते हैं और वो मैकेनिकल चर्निंग करने में काफ़ी हेल्प करता है, अपना टेम्परेचर जो है रेगुलेट कर सकते हैं और इनके पास एयर सैक हैं जो कि लंग से कनेक्टेड है, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन ठीक है, ये लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर में, या ये भी अंडे ही देते हैं, ये एग्जांपल हो जाएंगे। मैमल्स अलग अलग क्योंकि अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं इसलिए आइस कैप से लेकर डेजर्ट माउंटेन फॉरेस्ट हर जगह मिलेंगे क्योंकि अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं।
उड़ भी सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं। खास बात है मैमरी ग्लैंड होता है जिसकी वजह से इनका नाम मैमल पड़ा हुआ है। दो पेयर लिंब है, दो ऊपर दो नीचे, जो कि चलने, भागने, चढ़ने, गड्ढा खोदने, स्विमिंग करने और उड़ने के काम में आ सकता है। एक और ख़ास बात है इनकी, जो कि इनके पास हेयर रहते हैं, कान बाहर की तरफ हैं, ईयर पिन्ना जो कि साउंड वेव को कलेक्ट करके कान के अंदर भेजने में और हेल्प करता है, जॉ रहता है, दिल जो है 4 चैम्बर का है, अपना टेम्परेचर खुद रेगुलेट कर सकते हैं, लंग्स से सांस ले सकते हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है, वाईवी पैरस होते हैं, डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं। ओके डन। तो भाई प्लीज़ एमसीक्यूज पहुंच चुके होंगे आपके एप्लीकेशन पर, तो प्लीज़ जाइए और वो करिए।